प्रिय विद्यार्थियों, आज हम माध्य का अध्ययन करेंगे। तो इसे सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले खाने में वर्षा सेंटीमीटर में, इसको वर्ग अंतराल भी कहा जाता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। अब दूसरे खाने में स्थानों की संख्या लिख लो, जिनको आवर्ती भी कहते हैं। 0 से 10 की सिद्ध में 15, 10 से 20 की सिद्ध में 24, 20 से 30 की सिद्ध में 40, 30 से 40 की सिद्ध में 50, 40 से 50 की सिद्ध में 60, 50 से 60 की सिद्ध में 52, 60 से 70 की सिद्ध में 45, 70 से 80 की सिद्ध में 30 और 80 से 90 की सिद्ध में 14। अब सर्वप्रथम अपन मध्यमान निकालते हैं। तो मध्यमान का अर्थ है आधा। तो 0 से 10 का आधा, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 में 2 का भाग दिया तो 5। अब आगे हम या तो दोनों को जोड़कर आधा करते चल जाएं, नहीं जितना वर्गांतर है अपना उसको पहले वाले मध्यमान में जोड़ते चले जाएं। जैसे 5 अपना वर्गांतर हुआ 10, तो पहला जो मध्यमान 5 आया उसमें 10 जोड़े तो 15, 15 में 10 जोड़े तो 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़कर 45, 45 में 10 जोड़कर 55, 55 में 10 जोड़कर 65, 65 में 10 जोड़कर 75 और 75 में 10 जोड़कर 85। अब आगे हम कल्पित माध्य लेते हैं, अज्यूम्ड मीन, जिसको ए कहा जाता है। तो ये जो अपने 9 पद हैं, इनमें जो 5वां पद है वह कल्पित माध्य होगा, जो अपना 45 है। अब इस नेक्स्ट खाने में अपन कल्पित माध्य से विचलन लेने पर तो एक्स माइनस ए, और इसे और सॉर्ट करने के लिए अपन एक्स माइनस ए बटे आई और कर देते हैं। आई का अभिप्राय है वर्गांतर। तो पहला अपना जो रो हुई, इसमें एक्स अपना 5 है, ए अपना 45 है, तो 5 माइनस 45 और आई अपना 10 है। तो 5 माइनस 45 -40 हुए, उसके बटे में 10 करेंगे तो -4 आई। दूसरे में 15 माइनस 45 30 हुए, बटे में 10 हुए तो -3। फिर 25 माइनस 45 20 हुए, उसके अपॉन 10 हैं तो -2 और 35 माइनस 45 -10 हुए बटे 10 तो -1। 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 बटाई तो 1, 65 माइनस 45 20 बटे 10 2 हुए। फिर 75 माइनस 45 30 बटे 10 3 हुए और 85 माइनस 45 40 बटे 10 हुए तो 4 आ गए। अब अगले खाने में अपन एफ डी एक्स, यानी जो पहला जो विचलन लेने वाले खाने को डी एक्स कहते हैं और एफ आवर्ती कहलाती है। तो आवर्ती को डी एक्स से गुना कर दिया, तो पहला जैसा आवर्ती अपनी 15, 15 को -4 से गुणा किया तो -8, 24 को -3 से गुणा किया तो -72, 40 को -2 से गुणा किया तो -80, 50 को 1 से किया तो -50, 60 को 0 से गुणा किया तो 0, 52 को 1 से गुणा किया तो 52, 45 को 2 से गुणा किया तो 90, 30 को 3 से गुणा किया तो 90 और 14 को 4 से गुणा किया तो 56। अब भी इस प्रक्रिया में आगे अपन आवर्तियों को जोड़ लेते हैं। आवर्तियों के जोड़ को n कहते हैं, तो यह 330 आया। फिर लास्ट जो खाने में ये एफ डी एक्स, इनको जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ डी एक्स लिखा जाता है। सिग्मा से अभिप्राय सिग्मा का अभिप्राय टोटल से होता है। पहले जो माइनस के हैं उनको अलग जोड़ लिया जाता है। अंतिम खाने में सिग्मा एफ डी एक्स होता है, तो सिग्मा से अभिप्राय योग से होता है।
तो FDX में अपने दो प्रकार के डिजिट हैं, एक माइनस के और एक प्लस के। तो माइनस वालों को अलग जोड़ते हैं जिनका टोटल माइनस 262 आया, और प्लस को अलग जोड़ते हैं जिनका योग 288 आया। तो अब प्लस के 288 में से माइनस के 262 निकालेंगे तो 26 बचेंगे। अब अपन माध्य का सूत्र लिख लेते हैं। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा FDX अपॉन एन गुणा में आई। एक्स बार से अभिप्राय माध्य का संकेत अक्षर है, प्लस सिग्मा FDX अपना 26, एन आवर्तियों का योग 330 और आई अपना वर्गांतर है जो 10 है। अब एक्स बार बराबर 45 प्लस 26 अपॉन 330 गुणा में 10। अब अपन 26 को 10 से गुना कर लेते हैं तो 260 हो जाएंगे। तो एक्स बार बराबर 45 प्लस में 260 बटा में 330। जीरो से जीरो को काट देते हैं और 33 का 26 में भाग देंगे तो 0.78 आएगा। तो लास्ट में एक्स बार बराबर 45 प्लस 0.78, तो फिर एक्स बार बराबर 45.78, यह अपना उत्तर आएगा।